हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बुकरम से गला बनाना सिखाऊंगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बुकरम को ले लिया है और इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। बुकरम पर गले की कटिंग मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं आती है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसे बराबर कर लीजिए और 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई आप अपने अनुसार रखकर गले की कटिंग कर लीजिए, जितने जैसा भी आपको गले की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो लंबाई है 6 इंच रखी है और 6 इंच पर मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। दो दो इंच पर हम निशान लगा लेंगे एक, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जी, मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो आप कोई भी गला बना रहे हो, अगर आप सीख रहे हैं तो पहले सिंपल गला बनाएं, ताकि जो है आपको सिलाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से काट लीजिए, लेंगे बुकरम को हम। तो ये हमारे पास जो है गले की कटिंग हो रखी है, हो चुकी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें किस तरीके से हम इसे सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने इसे इस तरीके से खोल लेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जो भी आपका सूट का कपड़ा है उसका कपड़ा लेंगे हम इसे, और कपड़े के ऊपर इसे हम इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बीच में निशान लगा लीजिए आप, जितने भी आपकी गले की चौड़ाई है उसके अनुसार उल्टी साइड पर इसे रख लीजिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए जितने भी आपको गले की चौड़ाई आपने रखी है, ताकि जो है निशान लगाने से गला इधर उधर नहीं फैलता। अब हम इसे मशीन में इसके ऊपर इस तरीके से पक्की सिलाई करेंगे, इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे कपड़े के साथ। तो कपड़े के साथ सबसे पहले हम इसे पक्का सिलाई कर लेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसमें हमने इसे जोड़ा है, अभी हमने इसे सूट पर नहीं जोड़ा है। तो सबसे पहले आप कपड़े पर इसे जोड़ें गले को, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इसी कटिंग करेंगे किनारे किनारे पर। थोड़ा कपड़ा बचाते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे, और इसके बाद जो साइड से हमने कपड़ा रखा है कट मार लीजिए उसमें, और इस तरीके से इसे मोड़ लीजिए और पूरे में सिलाई कर लीजिए इसके भी इस तरीके से। तो ये हमारा जो है कपड़े पर फिनिश हो जाएगा। फिनिशिंग के साथ इसे सिल लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सूट का कपड़ा लेंगे हम। पहले हम इसमें इसे जोड़ लेंगे, उसके बाद इसे हम सूट में जोड़ेंगे। आप चाहे तो अगर सीख रहे हैं तो इसमें आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं पहले, क्योंकि मशीन से डायरेक्ट सिलाई नहीं हो पाती है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अच्छे से सिलाई कर लेते हैं मशीन से भी। एक्स्ट्रा धागे को काट लीजिए। इसके बाद हम सूट का कपड़ा लेंगे, इसे सूट में अटैच करेंगे। तो सूट में अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से रखना है, सूट का सीधा साइड रखना है, ये सीधे साइड है सूट का, और इसे इसके ऊपर रखेंगे हम बिल्कुल बीच में। सबसे पहले बीच में आप एक निशान लगा लीजिए, और इसमें भी आप निशान लगा लीजिए बीच में, चौक से लगा लीजिए, और इसे इस तरीके से रखना है बीच में। और इसके बाद हमें इसमें सिलाई करनी है, तो इसमें भी मैं मशीन से आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें सिलाई करनी है, ताकि आपका गला बिल्कुल सही बने। तो बिल्कुल हमें किनारे पर सिलाई करनी है इसकी, बुकरम पर हम सिलाई नहीं करेंगे, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। और ये कपड़ा जो आगे आ रहा है इसे मैंने कट कर लिया है, क्योंकि इससे डिज़ाइन दिखाई नहीं देता जब हम सिलाई करते हैं।
तो इस तरीके से हमें कपड़ा को रखना है। देखिए ऊपर गले को, नीचे हमने सूट का कपड़ा रखा है गले का, और इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे पर हमें पूरे पर सिलाई कर लेनी है गले पे। ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, धीरे धीरे करें आप सिलाई जब भी आप गले पर सिलाई करते हैं, क्योंकि गले में कट होते हैं तो इसमें जो है बहुत ही धीरे धीरे सिलाई करनी होती है। तो मैंने पूरे में सिलाई कर ली, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा रखना है और पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कटिंग करें। इस तरीके से आप अगर सूट का गला बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो ये मेरा देखिए इसकी कटिंग कर ली है मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, अंदर की साइड मोड़ना है और बाहर की साइड आपको इसमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर लेनी है। देखिए मैंने पूरा अंदर को मोड़ लिया है और बिल्कुल किनारे किनारे पर इसकी सिलाई करनी है। कपड़े को इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से आप पूरे पर सिलाई कर लीजिए। इसमें बाद में तुरपाई की जाती है, तो हम यहाँ पर किनारे पर इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि ये गला ढंग से अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सूट का अपने गला बना सकते हैं। तो ये मैंने देखिए गला बनकर तैयार है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट लीजिए धागों को, और ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर गला बनकर तैयार है। इस तरीके से आप सिलाई अगर करते हैं, आपको गला बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।